नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा व्रत संपूर्ण कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं और सुनते हैं पूर्णिमा व्रत संपूर्ण कथा। एक बार की बात है, द्वापर युग में माँ यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कान्हा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे व्रत कहो जिसके करने से इस मृत्यु लोक में सारी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माँ, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। माँ यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को इस धरती लोक में किसने किया था, इसके बारे में विस्तार से मुझको बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माँ, इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुआ है। उसका नाम चंद्रहास था। चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी पत्नी अति सुशील और बहुत ही सुंदर थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ में रहते थे। घर में सुख शांति धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था, उनके घर कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह योगी था। वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर की भिक्षा नहीं ली थी। एक दिन योगी गंगा जी के किनारे पर भिक्षा मांगकर बहुत प्रेम से खा रहा था कि धनेश्वर ने उस योगी बाबा को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में तो आप भिक्षा मांग कर ले आते हैं, परंतु आप कभी भी मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर में संतान नहीं है। घर में संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा लूँगा। उन्होंने कहा कि जिस घर में संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से योगी महाराज जी से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए।
आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी अवश्य ही कृपा होगी। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, चिंता को हर लीजिए। यह सुनकर योगी बाबा कहने लगे, तुम चंडी माँ की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सब बात अपनी पत्नी को बता दी और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी माँ की आराधना की और व्रत भी किया। चंडी माँ ने 16 दिन उसको 16 दिन में उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर पुत्र, जा तेरे घर में पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो सके उतने दीवे जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन 32 पूर्णमासी व्रत जरूर चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। तुम उस आम के पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर में ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बता देना और सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शिव की उस पर कृपा होगी और भगवान शिव की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो ठीक उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए चढ़ गया, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसको बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके सभी मंगल कार्य को तुम करने वाले हो। दुष्टों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझे इतना बल दो कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे के अनुसार उस फल को खा लिया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर बेटा पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माँ बाप के हर्ष और शोक के साथ वह बच्चा बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील भी और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार भी था। माँ दुर्गा के कथाना अनुसार उसकी माँ से 32 पूर्णवासी का उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही बच्चा 16वें वर्ष साल में लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन दोनों ने सोचा, अगर उनके सामने यह सब कुछ हो गया तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने उस बच्चे के मामा को बुला लिया और एक वर्ष के लिए देवीदास को काशी जी में पढ़ने के लिए भेज दिया। एक साल के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माँ बाप के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उसके मामा को इस बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करने लगे और पूरा हो गया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में किसी नगर में रुक गए। उस दिन उस नगर में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी उस रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आ गया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से
विचार करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ उस कन्या का लगन करवा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास चले गए और उसके मामा को उसने सारी बात बता दी। देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने वह मेरी पत्नी इसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने उसको सारी बातें बता दी। तब वह कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी दूसरे की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है और मेरे बात का आपको क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को चार नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दे दी और एक रुमाल भी साथ में दे दिया। और देवीदास अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करिए और आनंद के साथ खेलिए और कूदिए। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण का अंत हो जाएगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझा कर वह वहाँ से चल पड़ा। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आ गए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात को मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया। और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं आप उन्हें मुझे दिखाइए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माँ, इस प्रकार देवीदास काशी जी चला गया। कुछ समय के बाद जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ पर आया, लेकिन वह उसको काट ही नहीं पाया क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत पूर्ण कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे दीजिए। भगवान शिव ने माँ पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि फूल और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है और वह समझ गई कि उसका पति फिर से जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही खुश होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल पड़ा। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा सामने से आ रहे हैं।
उस ऊन को देखकर उनके ससुर बहुत ही खुश हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसको पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और अपने मामा को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ा। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माँ बाप को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा बेटा देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ घर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनने के से पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास घर पर आ गया और अपने माँ बाप के पैर छुए, देवीदास के माँ बाप ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपनी छाती से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान और दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रिया इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती है, सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रेमियों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि और भी भक्त इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।